हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक फास्ट फूड ट्राई करने और जिसका नाम है नीडल हाउस। तो फ्रेंड्स, यहाँ का फास्ट फूड हम देखेंगे कैसा है और यहाँ पे मोमो की एक नई वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि मैंने अब तक शूट नहीं करी है। और आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड बताना मुझे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई वीडियो बने रहिए फ्रेंड्स। बाकी बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, आज बहुत जल्दी से फूड मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा इंतजार नहीं करते हैं। ये जो पड़ता है, ये कालाडूंगी रोड पे पड़ता है, ये हल्द्वानी में। तो यहाँ का हम आज ट्राई करेंगे फास्ट फूड मोमोज, और मैं आपको दिखाऊंगा पूरा यहाँ पे किस तरीके से यहाँ का फूड है, क्या रेट है, किस तरह की क्वांटिटी हम मिलती है। नूडल हाउस के जो ऑनर है वो मेरे सामने है। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम संजय सिंह गोरा। अच्छा, संजय सिंह गोरा। तो भैया, कितने वक्त से आपने ये आउटलेट खोला है यहाँ पे नूडल हाउस का? सर, ये आउटलेट यहाँ पे 2011 से स्टार्ट हुआ है। मतलब 10 से 11 साल इसको हो गए। हाँ सर। अच्छा, इससे पहले भी कहीं और था या नहीं? सर, हमने शुरुआत यहीं से करी है। तो बताएंगे क्या क्या आप यहाँ पे फास्ट फूड में, आप चाइनीज आइटम में क्या क्या बनाते हैं आपके और क्या क्या बनता है? चाइनीज आइटमों में हमारे पास काफ़ी रेंज है, काफ़ी वैरायटीज है, और उसमें हमारे कुछ स्पेशल आइटम्स भी हैं ऐसे जो कहते हैं और फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में या और जगह पे नहीं मिल पाते। जैसे कि हम मोमोज में ही काफ़ी टाइप की वैरायटी बनाते हैं, और साथ में नूडल में भी हमारी काफ़ी टाइप की वैरायटी बनती है। और इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे चिली चिकन हो गया, मंचूरियन हो गया, चिली पोटैटो हो गया, और आपका चिली पनीर हो गया, और इंडियन के भी काफ़ी आइटम हमारे पास अवेलेबल है, जैसे बटर चिकन, कढ़ाई चिकन। अच्छा, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा? इंडियन और चाइनीज दोनों हम सर्व करते हैं। अच्छा, और साथ में हम काठी रोल हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया, इस टाइप के काफ़ी आइटम हम बनाते। मतलब काफ़ी वैरायटियाँ आपके पास चाइनीज में मिल जाती हैं यहाँ पे? हाँ सर। तो यहाँ का टाइमिंग क्या है, जरा कुछ बताएंगे? टाइमिंग सर, यहाँ की सुबह मॉर्निंग हम 8 बजे रेस्टोरेंट में आते हैं, और यहाँ 8 बजे से हम काम सर अपना स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपका ये मान के चलिए कि 9 बजे से हम कस्टमर को आइटम सर्व करने लगते हैं। 9 बजे से चालू जाता है, और रात में नाइट में हमें 10 बजे तक हम यहाँ पे करते। अच्छा, मतलब सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ओपन रहता है आपका? और वीकली कोई छुट्टी वगैरह कुछ? वीकली तो नहीं सर, मंथली छुट्टी रखते हैं एक दिन की। अच्छा, मतलब अपने घर जाना पड़ता है। अच्छा, मंथली मतलब मंथ में एक छुट्टी होती है? हाँ, मंथ में एक छुट्टी। अच्छा, और यहाँ का एड्रेस बताएंगे क्या, जैसे कोई यहाँ पे आना चाहे वीडियो को देख के तो कैसा है वो, क्या सर? ये है आपका जो हमारा शहर का मुखानी चौराहा है, चौराहे से आप कुसुमखेड़ा की तरफ को करीब करीब 100 मीटर की डिस्टेंस में है भारतीय स्कूल और ईजी डे के बस जस्ट बगल में। और गूगल मैप में भी आपने ये लोकेशन? हाँ, तो फ्रेंड गूगल मैप में भी है, नूडल हाउस के नाम से आप डालेंगे, लोकेशन में डाल दूंगा, आप डालेंगे आपको तुरंत आपको नेविगेशन में लोकेशन इसकी मिल जाएगी। तो भैया हमारा भी हमें भी आप फास्ट फूड में कुछ ट्राई करवाइए, मोमोज वगैरह जो आपकी बेहतर डिश है। ठीक है सर, हमारा तंदूरी मोमो बहुत अच्छा कस्टमर द्वारा पसंद करा जाता है, काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है, कस्टमर पसंद भी करते हैं। तो मैं आपको मोमो की रेट की स्टार्टिंग कहाँ से आपके वहाँ? मोमो की रेट की स्टार्टिंग सर 80 रुपीज़ फुल है, वेज और नॉन वेज, उसमें मटन और साथ में पनीर वाले मोमो बनते हैं। अच्छा, मतलब 80 रुपीज़ में फुल है, कितने पीस देते हैं आप उसमें? उसमें सर 8 पीस आपको वेज और नॉन वेज में 8-8 पीस रहते हैं, और फिर उसके बाद से जैसे ही वैरायटी डिफरेंट होती है तो उसके साथ साथ प्राइस भी प्राइसिंग भी बढ़ती जाएगी। वो तो जायज बात है, जब चीज़ बढ़ेगी, वैरायटी बढ़ेगी तो प्राइसिंग बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा इंतजार नहीं करते, हम भी अपना फूड ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा यहाँ का फूड है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पे किचन का सेटअप है, देखिए मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, कितनी साफ सफाई से यहाँ पे हर चीज़ बनाई जा रही है, नीट एंड क्लीन है पूरा किचन यहाँ पे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक बार आप लोग यहाँ पे जरूर आइए, मैं आगे फूड दिखाता हूँ कि जो मैं फूड ट्राई करूँगा यहाँ पर आगे दिखाऊंगा और साथ में टेस्ट भी कराऊंगा। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे शेजवान मोमो और तंदूरी मोमो जी
दो बना रहा हूँ, वो हैं पनीर वाले। अच्छा पनीर वाले, तो फ्रेंड ये देखिए सेजवान मोमो लग रहे हैं पनीर वाले हमारे, और तंदूरी मोमो। तो इसकी ये पूरी इन्होंने प्लेटिंग करी है, आप यहाँ पे ज्यादा ज्यादा बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड बने रहिए वीडियो में आप मेरे साथ, वाकई में आपको मजा आने वाला है फ्रेंड, क्योंकि फास्ट फूड के तो हर कोई दीवाना है खासतौर से मोमोज के। तो आप हल्द्वानी में हैं तो फ्रेंड टैग करिए अपने उन दोस्तों को जो कि यहाँ पे आए खाने। सबसे पहले जैसे हम इन स्टीम मोमो को जो हमने हाफ डन करके यहाँ पे स्टीम करके रखे हुए हैं। अच्छा ये हाफ स्टीम है, हाफ स्टीम है, इन्हें हम पहले सबसे पहले फ्राई कर रहे हैं। अच्छा तो फ्रेंड देखिए ये हाफ स्टीम है ये, और अब ये फ्राई होने जाएंगे। फ्रेंड देखिए यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है और इसमें अब ये फ्राई होंगे, और यहाँ पे कुछ फ्राई राइस वगैरह बन रहा है। यहाँ पे ये फ्राई राइस यहाँ पे बन रहा है, किसी का ऑर्डर है ये। ये सेजवान फ्राई राइस है, आप इसको भी साथ साथ बनते हुए देख सकते हैं फ्रेंड किस तरीके से बन रहा है ये। और यहाँ पे हमारे मोमो जो कि रखे जो फ्राई होने जाएंगे। फ्रेंड देखिए आप ये मोमो यहाँ फ्राई होने जा रहा है। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मोमो फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये फ्राई राइस तैयार हो गया है, सेजवान फ्राई राइस, पनीर सेजवान फ्राई राइस है ये, एक ऑर्डर है जिनका उसके लिए ये बनाया गया है। और साथ में ये हमारा ऑर्डर जो है मोमो का वो तैयार हो रहा है। फ्रेंड यहाँ के बिल्कुल भूख ऐसी पड़ चुकी है बहुत ज़बरदस्त। तो देखिए फ्रेंड ये पूरी तरह से पूरे फ्राई करे जाएंगे भैया, या थोड़ा सैलो फ्राई करे जाएंगे ताकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हार्ड हो जाए। तो फ्रेंड आइए एक बार जरूर आप यहाँ पे, बहुत बढ़िया यहाँ का सेटअप है नूडल हाउस का। ये सैलो फ्राई हो चुके हैं देखिए फ्रेंड, अब इनको निकाल लिया गया है। फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे निकल के आए हैं, जबरदस्त लग रहे हैं फ्रेंड जबरदस्त। ये मिक्स नहीं करते। अच्छा ये तंदूरी पूरी तंदूरी क्रीम है जो कि इसमें डाली जाएगी। इस तरीके से कोट कर दिया इसमें, ये हम इसे कोट कर देते हैं पूरी अच्छी रंग से, ये हमने बहुत बढ़िया रंग से इसमें कोट कर दिया है। देख सकते हैं ये तंदूरी क्रीम की कोटिंग हो चुकी है पूरी, आपको मैं और पास से दिखाता हूँ। और ये क्या इसमें सफेद तिल। ये चाट मसाला इसमें क्या, ये क्या चीज है, चीज ब्लेंड। अच्छा चीज ब्लेंड है फ्रेंड ये, इसकी भी हल्की सी कोटिंग ऊपर से कर देते हैं। देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं, किस तरीके से प्लेटिंग हो रही है इनकी मोमो की, तंदूरी मोमो। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग जरूर आइए यहाँ पे, ये देखिए कितनी। तो फ्रेंड्स अभी देखिए तैयार नहीं हुए हैं, इसके बाद ये जाएंगे ओवन में जहाँ पे ये रोस्ट होंगे लगभग कितने मिनट भैया, ये 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट ये रोस्ट होंगे तंदूर में, तब इनमें तंदूर का फ्लेवर आएगा। और अब ये गए हैं अंदर।
दूसरा तो किस तरीके से यहाँ पे शेजवान मोमो बनते हैं। तो फ्रेंड वाकई बहुत मजा आ रहा है वीडियो में, आप बने रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो देखिए, फूड कैसा होगा, कैसे मोमो होंगे मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड। ये सीजन में की तैयारी चल रही है, इसमें सीजन में हमारे ऑनियन कैप्सिकम ये पहले टॉप करे जाते हैं कढ़ाई में। तो फ्रेंड देखिए सेजवान के लिए प्याज और शिमला मिर्च इसमें टॉप करके डाली गई है, और जो कि इसमें थोड़ी हल्की फ्राई होगी। और अब इसके बाद गया आपका अदरक लहसुन का पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट गया फ्रेंड इसमें, और इसके बाद गए मोमो। अब ये मसाले गए इनके भैया के जो भी इनके बनाए हुए हैं। ये चिली सॉस, और ये शेजवान। फ्रेंड देख सकते हैं आप कितने लाजवाब लग रहे हैं, कितने यमी लग रहे हैं फ्रेंड्स ये, और जब हम खाएंगे तो बताएंगे आपको फ्रेंड्स किस तरीके से ये लगेंगे खाने में। सच में कह रहा हूँ फ्रेंड, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में तो रियल में वाकई बहुत ही स्वादिष्ट और यमी होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। फ्रेंड ये गए प्लेटिंग में, ये प्लेट में ये इस तरीके से ये निकल गया है प्लेट में। इसके बाद ही भैया इसमें कुछ और करा जाए डाला जाएगा, तो फ्रेंड फ्रेंड्स ये पूरी कंप्लीट है। देखिए अब इसमें सब चीज़ पड़ चुका, और अब हम इसको खा के टेस्ट करेंगे कैसे तरीके से बना है, और हमारा अभी तंदूरी मोमो भी ओवन के अंदर है वो भी निकलता है, तो फिर दोनों चीज़ हम टेस्ट करके बताते हैं कि किस तरीके से होगा। फिर तो फ्रेंड देखिए हमारा तंदूरी मोमो निकल के आ चुके हैं और बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और अब आगे की प्लेटिंग होती है फिर खा के देखते हैं हम। फ्रेंड देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेटिंग हुई है, कितनी जबरदस्त कितनी शानदार लग रही है। शायद मेरे ख्याल जो भी देखेगा तो शायद उसके मुंह में पानी तो आना ही आना है, और वो फटाफट सोचेगा कि मैं फटाफट वहां से उठ के यहाँ पहुंचू और खाऊं, क्योंकि फ्रेंड मुझसे भी अब रहा नहीं जा रहा है, मैं भी चाह रहा हूँ कि फटाफट ये टेबल पे आए मेरे और मैं इसका स्वाद चखूं। तो फ्रेंड इस तरीके से है, और इसको हम लेके चलते टेबल पे और फिर खा के बताते हैं। फ्रेंड देखिए टेबल हमारी लग चुकी है, और अब हम ट्राई करके देखते हैं यहाँ का फूड कैसा है, फिर मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ का स्वाद कैसा है फास्ट फूड का। बने रहिए वीडियो में पूरी आप मेरे साथ, ज़्यादा वक्त मैं आपका लूंगा नहीं, फटाफट टेस्ट करके बताता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए दोनों प्लेट कितनी यमी लग रही हैं। फ्रेंड्स ये हमारे शेजवान मोमो हैं और ये तंदूरी मोमो हैं। पूरी की पूरी मैंने आपको इसकी मेकिंग दिखाई है, किस तरीके से ये तैयार किए गए हैं और किस तरीके से तैयार होके मेरे पास मेरी टेबल तक पहुंचे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। साथ में देखिए ये आपकी चटनी है, और ये आपकी रेड चिली चटनी है, ये शेजवान है और ये रेड चिली चटनी है। और फ्रेंड इसको पहले तो मैं हाथ से देखता हूँ। हाँ फ्रेंड देख सकते हैं, देखिए पनीर की पूरी की पूरी टफिंग जो देख रहे हैं आप पनीर की सब्जियों की है, इसमें ना कोई न्यूट्रीला वगैरह भरा है, सिर्फ पनीर और सब्जियां हैं इसमें, और बहुत ज़बरदस्त शेजवान मज़ा आ रहा है, बिल्कुल शेजवान का पूरा फ्लेवर है इसमें, मसालों का बैलेंस बिल्कुल संतुलित है, और लग रहा है हम कुछ चाइनीज खा रहे हैं।
ये चटनी है जी, बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जो तंदूरी मोमो, इसमें तंदूरी क्रीम और आपकी व्हाइट क्रीम मेयोनीज में डाल रखी है, और कितना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। सो यमी, बहुत बढ़िया फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग जरूर आइए यहाँ पे, और यहाँ का फास्ट फूड एक यहाँ पे फास्ट फूड बहुत बहुत ज्यादा वैरायटी है, आप यहाँ पे आके यहाँ का फूड ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत बढ़िया। और बैठने की अच्छी व्यवस्था, फैमिली के साथ आइए आप, बच्चों के साथ आइए, एड्रेस पूरा मैंने आपको बता रखा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, शेजवान मोमो और तंदूरी मोमो मैंने अब तक ट्राई नहीं करे, ये फर्स्ट वीडियो जो बना रहा हूँ मैं शेजवान मोमो तंदूरी मोमो की। तो फ्रेंड्स दिल से कह सकता हूँ बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब है, जैसा मैंने सोच के मैं आया था कि इस तरीके का फ्लेवर मिलेगा शेजवान में, क्योंकि शेजवान मैंने खाए नहीं थे, अरे सुना था, तो वही चीज मुझे यहाँ पे मिली है। तो फ्रेंड्स आप लोग निराश नहीं होंगे यहाँ पे आके, एक बार यहाँ पे तंदूरी मोमो और अपना शेजवान मोमो जो भी है, सिंपल मोमो जो भी, अरे बहुत बहुत वैरायटी है यहाँ पे, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते फ्रेंड। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से यहाँ का मेन्यू मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप फ्रेंड देख सकते हैं, देखिए मोमोज में लगभग लगभग फ्रेंड चार आठ वैरायटी तो मोमोज में है, और फिर यहाँ पे राइस की वैरायटी नीचे आ जाइए देखिए, फिर नूडल्स की वैरायटी देखिए, तो आप देख सकते हैं आप फ्रेंड कितनी वैरायटियाँ हैं भैया के यहाँ, क्योंकि तभी इसका नाम नूडल हाउस है, क्योंकि हाउस में क्या होता है, हाउस में सभी चीज़ होती हैं समझे, जैसे हम लोग का घर होता है, घर में टीवी पंखा फ्रिज सब चीज़ होती है, तो यहाँ पे भी चाइनीज़ में फास्ट फूड की सारी वैरायटियाँ भैया ने रखी है, तभी यहाँ का नूडल हाउस नाम रखा है, और उसी नाम को भैया बरकरार रखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि आप फास्ट फूड में चाइनीज़ में कोई भी वैरायटी खाना चाहेंगे भैया के वहाँ नूडल हाउस में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, एक बार आप भी यहाँ पे आइए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना फ्रेंड्स, सच में कह रहा हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को बहुत बढ़िया लगेगा, बैठने की पूरी व्यवस्था है किस तरीके से मैंने आपको दिखाया था। एक चीज़ मैं भैया से जानना चाहूँगा, भैया आपका जोमेटो और स्विगी में भी चलता है? हाँ, जोमेटो और स्विगी में भी हमारे नूडल हाउस से डिलीवरी होती है। अच्छा, साथ में 2019 में तो मेरे को बेस्ट फास्ट फूड का अवार्ड भी मिला था जोमेटो द्वारा। अच्छा फ्रेंड, फूड मैंने ट्राई करा यहाँ पे, तंदूरी मोमो बहुत बढ़िया थे, शेजवान मोमो फ्रेंड बहुत बढ़िया थे, बाकी में हूँ और बहुत सी वैरायटियाँ जो बहुत ही बढ़िया हैं। तो फ्रेंड मुझे तो यहाँ का फूड बहुत अच्छा लगा, और रेट भी रीजनेबल है, प्राइसिंग भी सही है, और क्वान्टिटी आपको सही मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ मैं विदा लूँगा, दिखाता हूँ अगली नई वीडियो में नए स्वाद के साथ, नए जायके के साथ, और जय हिंद जय भारत।